चलो बच्चों, अब हम डीएनए देखेंगे, है ना। किसको देखेंगे? डीएनए को। अब कुछ बच्चों को दिक्कत था कि डीएनए में 5-3 ये क्या चल रहा है, ठीक है। कितने लोगों को पेंटोज सुगर का स्ट्रक्चर पता है? पेंटोज सुगर का स्ट्रक्चर पता है? पेंटोज सुगर याद आया? याद आया? याद आया? यस सर। जिसमें यहां पर क्या था? CH2OH था कि नहीं था? यस सर। आला बताओ सर, राइबोस पूछ रहे हो कि क्या वो था कि नहीं था? और यहां से जुड़ता था नाइट्रोजन, नाइट्रोजनस बेस। इनफैक्ट यहां पे जुड़ता था फॉस्फेट ग्रुप। जुड़ता था कि नहीं जुड़ता था, मुझे बताओ। कोई मुझे बताएगा? ठीक है, और कोई मुझे ये भी बताएगा कि यहाँ पर होता था OH, लेकिन डीऑक्सीराइबोज में नहीं होता है OH। यहाँ भी OH था, बट डीऑक्सी में O नहीं होता, हाइड्रोजन होता है। याद है? Yes, कितने बच्चों को ये चीज याद है? चलो, ये तो पता हो गया, इतना स्ट्रक्चर पता है। अब ध्यान से सुनो, ये वाला जो कार्बन होता है ना, ये वाला कार्बन, ठीक है, इस कार्बन का नंबर अगर इधर से काउंट करोगे तो पांचवा आएगा। इसका आता है तीसरा। कैसा आएगा? तीसरा आएगा, ठीक है। ओके, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, ठीक है। अब देखो, हम इसको अभी तब तक के लिए मान लो, अब छोटा सा हम यहां बनाएंगे, ऊपर एक छोटा सा और बनाएंगे, यही है स्ट्रक्चर सेम, ठीक है। ये मैंने बड़ा करके दिखा दिया है। अच्छा, ये ऑक्सीजन भी बीच में होता है। OH यहां से हट जाएगा, मतलब OH के साथ बॉन्ड बन जाएगा, H2O निकल जाएगा, ठीक है। यहां पर होगा OH और यहां पर होगा NB, नाइट्रोजनस बेस, राइट? Am I right? Yes, sir. क्या मैं सही हूं? Yes, sir. क्या ये सही है? ठीक है, फॉस्फेट यहां से भी जुड़ा रहेगा, नॉर्मल है, बॉन्ड वन बनता रहेगा। यहाँ पर है OH, ये क्या OH, ठीक है, ओके, गॉट इट। अब देखो, हम बोल रहे हैं ऐसा नाइट्रोजन बेस, और यहाँ भी नाइट्रोजन बेस निकला रहेगा, यहाँ पेंटोज सुगर, यहाँ फॉस्फेट बॉन्ड, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता जाएगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता जाएगा। आज हम काफी डिटेल में बता रहे हैं, जो हम आगे बताएंगे वो अभी बता देते हैं, लैडर वैडर ब्ला ब्ला ये हो सब। तो इधर भी कल्पना तुम कर लो, इसको उल्टा ड्रॉ करके, इसको उल्टा ड्रॉ करके, हम इसको उल्टा ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे है नाइट्रोजन बेस के साथ CH2, यहाँ पे फॉस्फेट, ठीक है, यहाँ पे है OH, यहाँ पर है OH, यहाँ पर है H, OH, यहाँ H, यहाँ OH, होगा, बोलो, होगा, यस सर, ऐसा ही होगा। उधर भी चलता है ना, एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन उधर चलेगा, एक पॉली। रेवती, कुछ समझ में आ रहा है? बाउंस कर गया? यस सर, समझ आ रहा है। उम्मीद है, उम्मीद है मुझे तुमसे, है ना। तो ये है, अब कार्बन का काउंटिंग 1, 2, 3, 4 and 5, राइट? एम आई राइट? बोलो बोलो बोलो, एम आई राइट? यस सर। देखो, ये चीज नहीं समझ में आएगा ना तो काफी दुख होगा तुम लोगों को बाद में, ठीक। तो अब मुझे ये बताओ, मुझे मत बताओ, हम ही बता रहे हैं, ठीक है। ये बॉन्ड बना ना, इन दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बीच में यहाँ बॉन्ड बनता है। अभी मैं बता रहा था, क्या बनता है? एक बॉन्ड बनता है OH के साथ, ठीक है। क्या बनता है? एक बॉन्ड बनता है, ठीक है। ऐसे ही बॉन्ड ऊपर भी बनेगा, मतलब इसका और ऊपर होगा ना, ये वाला पेंटोज सुगर, और यहाँ भी नाइट्रोजन बेस, यहाँ भी नाइट्रोजन बेस, है ना, इन दोनों के बीच में फिर से बॉन्ड। ऐसे ही चलता रहेगा कि नहीं चलेगा, बताओ? यस सर। यस सर। किसी को समझ में आ रहा है कि बस ऐसे ही? कुछ बोलोगे? समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। यहाँ बना लो सर, समझ आ रहा है तो यहाँ भी बना लो, यहाँ पे डाल दो CH2, यहाँ पे डाल दो P फॉस्फेट, और इसके साथ इसका बॉन्ड बना दो, यहाँ पे
फिर यहाँ पे नाइट्रोजन बेस एन बी नाइट्रोजन बेस है ना, इसके साथ बना दो, यहाँ पे डाल दो ओ एच, यहाँ पे डाल दो एच, ये चलता है, हमने ऐसे बनाया, ठीक है ये चल गया। अब यहाँ पर ये कैसे चलेगा, ये कैसे होता है, ध्यान से देखो, हमेशा हमेशा ठीक है, तुम देखो कि जिधर इधर पी आया है ना, इधर पी बचा पांच डैश वाला एंड, तो हम उल्टा बनाया है, ऐसा होता नहीं है, ये उल्टा बनेगा, इधर बचेगा ओ एच, ये वाला ओ एच उल्टा, हम गलत बना दिया, ये उल्टा, इसको नीचे करके उल्टा स्ट्रक्चर बना, ठीक है, तो इधर बचेगा ओ एच, इधर बचेगा पी, समझ में आ रहा है कुछ, यानी मुझे ओ को नीचे करके ऐसे बनाना चाहिए था, कुछ आया समझ में, आया Yes, ये फॉस्फेट ग्रुप कहां से जुड़ा है, पांचवे कार्बन से जुड़ा है कि नहीं, इस फाइव डैश को फाइव प्राइम भी कहते हैं, ठीक है, फाइव प्राइम भी कहते हैं, तो ये किससे जुड़ा हुआ है, इस पांचवे कार्बन से जुड़ा है, बताओ मुझे, yes, very good, तो जिस टर्मिनल भाई ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन स्टार्ट हुआ, कहीं तो जाके समाप्त होगा ना, अगर कहीं समाप्त हुआ, हम बोल रहे यहीं तक है, बस यहीं तक, ये एनबी वाला नाइट्रोजन बेस लास्ट है, बस यहीं तक, तो ये फॉस्फेट ग्रुप फाइनली किस कार्बन से एक्सपोज हो रहा है, पांचवें से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे ही बताओ, हो रहा है, तो ठीक है, और नीचे OH बचा हुआ है, क्योंकि ये तो बॉन्ड में है ना, ये तो बॉन्ड में बना हुआ, ये जो OH फ्री है ये कौन से कार्बन से, थर्ड, तो ये माइनस और ये बनाता है थ्री डैश, इसका उल्टा होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डायग्राम मैंने उल्टा बनाया, ये इसका उल्टा होता है, यहाँ फॉस्फोरस का अगर फाइव प्राइम बना है तो इधर बनेगा क्या, बनेगा थ्री प्राइम या थ्री डैश, बनेगा या नहीं बनेगा, मैंने बोला बनेगा, डीएनए होता है एंटी पैरेलल, पैरेलल है बट एंटी, इधर फाइव तो उधर थ्री, अगर इधर मतलब फॉस्फेट है तो उधर क्या होगा ओएच, मैं कई बार बोल भी चुका हूँ, होगा कि नहीं होगा मुझे बताओ, होगा सो, और तुम अगर सोच रही हो कि ऐसे स्ट्रक्चर बना दोगी जैसे हम बनाए हैं तो ये बॉन्ड ही नहीं बनेगा, स्टेबल ही नहीं होगा, उल्टा करोगी तब खटाखट बॉन्ड भी बन जाएगा, डबल ट्रिपल जो भी बनाना चाहो खटाखट, समझ में आ रहा, कृतिका उल्टा करने का मतलब बताते हैं, yes. क्या तुम्हें समझ में आया, yes, sir. चलो बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, अब देखो प्रियंका, उल्टा करने का मतलब हम बोल रहे हैं ना कि जैसे ये सीधा सीधा बना दिया है ना ये, ठीक है, वैसे ही सीधा 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 बना दो, यहाँ फाइव है ना, यहाँ भी हम कह रहे हैं फाइव ही ले आओ, और यहाँ भी थ्री, तो ये स्टेबल ही नहीं, बॉन्ड ही नहीं बनता, जैसे तुम एटी में बना रही थी, जीसी में बना रही थी, एटी में क्या बना रही थी, डबल दो दो बॉन्ड हाइड्रोजन का, जीसी में कितना तीन तीन बॉन्ड, तो वो सब नहीं बन पाएगा, चाहो तो कभी ट्राई करके देख लेना, तुमको लगता ऐसे खींच के बनाना पड़ जाएगा, समझ में आया, Yes, sir. तो वो स्टेबल स्ट्रक्चर उल्टा करेंगे, क्या बोल रही हो दीप्सिका, अगर हम ऊपर वाला उल्टा करेंगे तो नीचे वाला भी उल्टा करना पड़ेगा, तो उल्टा सीधा तो एक समान है ना, कंपाउंड है भाई, रियल लाइफ देखो ना, उल्टा करो सीधा करो बात तो बराबर है, हम बोल रहे हैं एंटी पैरेलल होगा, एंटी होगा, ये फाइव तो ये थ्री, ये याद होना चाहिए, एक तरफ टर्मिनल पे फाइव होगा तो एक थ्री, ठीक है, हमेशा फाइव थ्री है तो वो थ्री फाइव होगा, ये फाइव थ्री चेन है तो वो कौन सा चेन होगा, थ्री फाइव, रेवती यू गॉट इट, ये ऐसे एंटी पैरेलल क्यों होते हैं, हाँ ये एंटी पैरेलल होते हैं इसलिए ताकि बॉन्ड बन सके, स्टेबल हो सके, अब एंटी पैरेलल ही नहीं होंगे तो बॉन्ड कहां से बनेगा, तब से वही तो कथा सुना रहे हैं, तुम चाहो तो उल्टा थ्री थ्री करके बना लेना, तुमको बॉन्ड बनाने में देखो हालत खराब हो जाएगा, समझ में आया, बोलो सर ये खत्म कहाँ होगा, हमें कैसे पता चलेगा कब खत्म हुआ, मतलब क्या बोल रही हो, ये कहीं चलते चलेगा, क्या बोल रही है, क्या बोल, ये चेन खत्म कब होगा, होता है खत्म होता है वो हम अभी बताते हैं तुमको, ठीक है, तो इसके लिए अगर हम नीचे वाले को उल्टा नहीं करेंगे तो पेयर्स होते हैं, कितने पेयर्स होते हैं, डिस्टेंस क्या होता है, मैं सब बता देता हूँ, इसमें कोई डरने वाली दिक्कत है नहीं, ओके, कितने नंबर ऑफ बेस पेयर्स होंगे, क्या उनका लंबाई होगा, क्या उनका डिस्टेंस होगा, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, हेलिक्स क्या होता है, ये सब बताएंगे, तो अभी रिलैक्स, बस ये बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया मुझे, नहीं आया मुझे, नहीं आया क्या, नहीं समझ में आया दीप्सिका,
सर अगर हम नीचे वाले को उल्टा नहीं करेंगे तो वो भी तो थ्री वाले से ही एंड हो रहा है, तो दोनों थ्री थ्री से एंड नहीं हो जाएंगे। तुम बोल रहे हो कि इसको उल्टा नहीं किया तो? यस सर। अरे हम ये बोल रहे हैं कि ये ऐसे अगर हम दिखाएं ना तो इसमें पूरा का पूरा ये उल्टा करके दिखाओगे ना तभी ऊपर फाइव आएगा और तभी नीचे थ्री आएगा, हम ये कहना चाह रहे हैं। अभी ठीक है, हम तो क्या बोल रहे हो, पूरे चेन को उल्टा करके वहां डाल दो ऐसे। हाँ बस वही बोल रही थी सर। पता नहीं तुम क्या बोल रही हो, समझ में तो नहीं आ रहा। कोई पहले एक लगा, कोई नहीं सर, मैं समझ गई कोई बात नहीं। और अनिकेत आ गया, चेक करो। अनिकेत आ गया, क्यों अनिकेत, पढ़ने वरने का मन नहीं है क्या? सर नेटवर्क ही खराब है सर, क्या करूं मैं। छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, छोड़ो अपना खेती वेती करो, वो भी नहीं कर पाओगे तुम, उसमें भी आवाज कर रहे हो मुझे पता। क्या करा दिया आपने? सर क्या बकेती, दो सेकंड तो नहीं आए हुए, आपने मिटा दिया। हम वेट ही कर रहे हैं कोई आए, कोई बोले कि नहीं मिटाना है तो मिटाते, हम इसीलिए वेट ही कर रहे हैं। ये सर ये बच्चे बकवास है सर, ये बोल नहीं पा रहे, रोज बोलते भाग जाते हैं। नहीं ये रोज बोलते सर नहीं मिटाओ, अब सर मेरे बोलते मिटा देना। ठीक है भाई ठीक है, तुम अगर इतना मेरे पांव हाथ पकड़ रहे हो तो अनिकेत ठीक है ना। हाँ तो अब लिखो सब। दीपिका हाँ बोल ना, मैं तीन से बोल रही, व्हाट्सएप चेक कर एक मिनट। अरे फोन लेके गई मम्मी, क्या हो गया? समय को पूछना था कितने पेज छोड़ने हैं मेरे को, किस चीज़ मुझे क्या पता, मैंने खुद छोड़ा हुआ है सब कुछ। सब अजीब बच्चे हैं, अनिकेत उधर क्लास छोड़ रहा है, इधर पेज छोड़ रही है। नोट बहुत सुंदर अच्छे मतलब पूरे हो चुके हैं, मुझे ये बताओ समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा, बिल्कुल भी समझ। एक मिनट, पांच सेकेंड दो सर, एक मिनट मेरे प्यारे मित्रों, मुझे बताओ कि डीएनए के बाद जो हमने डीएनए शुरू करा था ना, वो गाइनी यूरासिड लिखने के बाद कितने पेज छोड़ने हैं? तीन। थैंक यू रेवती। कौन बोला है तीन? रेवती बोली है। यस सर, आवाज तो वही थी मेरी थी। ओह शिट कृतिका, ओह नो, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, थैंक यू कृतिका। देखिए कृतिका फाइनली तुम्हारी दोस्ती काम आई। सुनो ना। हाँ बोलो स्मृति, क्या कहना चाह रहे हो? आज सुबह आपने क्या पढ़ाया था? ये सब नहीं पढ़ाया था ना, क्योंकि मैंने कंटिन्यू लिख दिया। डीएनए डीएनए ही चला था सुबह में, डीएनए ही चला और काफी डिटेल में चला है। ठीक है आओ देखें इसको, बहुत ज्यादा डिटेल स्मृति, अभी तो समझ नहीं यार। अब दो टर्म हम लोग देखने वाले हैं, डीनेचुरेशन रीनेचुरेशन। ठीक है, कौन कौन से? डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन। मैंने कल कुछ कहानी सुनाया था, अभिषेक तो है ही नहीं, अनिकेत मैंने कल कुछ कहानी सुनाया था मतलब इसी क्लास में, याद है कुछ? वो गया, भाग गया सर वो। चलो कोई नहीं, मैंने एक कहानी सुनाया था, कौन बताएगा कि उसका जो समरी था वो क्या था? रेवती बताएगी। रेवती समरी क्या था उस कहानी का? सर जब प्रोटीन डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है तो डाइजेस्ट इंसान मर, डाइजेस्ट हम डाइजेस्ट वर्ड तो यूज भी नहीं किया पूरा, ब्रेकडाउन। अच्छा ब्रेकडाउन, ओके डीनेचर, ठीक है। फिर क्या हो जाता है अभिषेक का? इंसान को बचने की चांस कम होती है, कम होते चले जाते हैं। ठीक है, कम होता जाता है, वेरी गुड। तो इसमें क्या होता है, जब डीएनए को 80 से 90 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री से 90 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करोगे तो ये हो जाएगा डीनेचर। और डीएनए का डीनेचर होने का क्या मतलब है? तो डीएनए का डीनेचर होने का मतलब, मेरे पास थ्रेड तो नहीं था, है भी नहीं मेरे पास, नहीं तो रुको, मेरे पास एक वायर है, मैं दिखाऊं क्या उससे कुछ? यस सर। कौन कौन देखना चाहता है? सब देखना चाहते हैं। तो तुम सबकी स्पोक्स पर्सन हो ना स्मृति, ये कौन है हमारा?
डीएनए तो नहीं लग रहा, बट मान लो कि ये कौन है हमारा, ऐसे करके डीएनए, ऐसे ऐसे सब सपोज, हंसो मत, ठीक है, ये कौन है बोले हंसे कितना अच्छा लग रहा है ना, ये लो ये सूखे हुए इंसान का डीएनए कुछ ऐसा ही है, समझ लो कि अनिकेत का है, अनिकेत अभी नहीं है तो ठीक है, तो ये मान लो कि अनिकेत का ये, अब देखो अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, कूल कूल अभी ठीक है, अब मजा आ रहा है, कुछ ऐसा समझ लो बड़ा हो गया, ठीक है ऐसा ही कुछ डीएनए है, ठीक है, अब इस डीएनए को क्या किया, 80-90 डिग्री पे गर्म कर दिया, तो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन अलग अलग हो गया, ये क्या हो गया, दोनों अलग अलग, देख रहा है दोनों अलग अलग हो गया, ठीक है, इसको हम बोलेंगे डीनेचुरेशन, क्या बोलेंगे बच्चों, डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन, अब ये हो गया डीनेचर्ड, डीनेचर्ड हो गया डीएनए, अब डीनेचर्ड डीएनए हो गया, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे डीनेचुरेशन, अब डीनेचुरेशन क्या हो गया जरा तुम लोग सोच के बताओ मुझे, वापस से जुड़ गया, बिल्कुल, अब मुझे एक बात और बताओ कि डीनेचुरेशन जो हो रहा है तो उसमें बॉन्ड, ठीक है, उसमें बॉन्ड टूटेगा या बनेगा, बोलो टूटेगा, डीनेचर में कि रीनेचर में, डीनेचर डीनेचुरेशन में, डी वाले में टूटेगा, टूटेगा, री में जुड़ेगा, तो डीनेचुरेशन में क्या होता है, कौन सा बॉन्ड टूटेगा, कौन मुझे बताएगा, फॉस्फोडाइस्टर या कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड नाम से क्या होता है, H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड नाम सुने हो, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस के बीच में बनता है, एक्सपेक्टेड बताओ कौन कौन सा नाइट्रोजन बेस हो सकता है, एक्सपेक्टेड बेस, सर एटी, वेरी गुड, आई नो, सॉरी कौन बोला, प्रियंका इज वेरी गुड, अब ये बताओ इसके क्या हो सकता है, जीसी, प्रियंका को बोलो, प्रियंका बोलो, जीसी, जीसी होगा, ठीक है, गुआनिन एंड साइटोसिन, ठीक है, एडिनिन और थाइमिन, सर ए के नीचे सी नहीं होता है, क्या हो सकता है ना, ए के नीचे डालो ऊपर डालो कुछ भी डालो, दैट डज नॉट मैटर, हम बोल रहे हैं कि बॉन्ड किसके बीच में बनना है, कुछ भी डालो ना, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, अब देखो तुम बोलोगे कि सर ऐसे भी तो डाल सकते हैं, गुआनिन नहीं तो एडिनिन और यूरासिल है ना, क्यों प्रियंका, सही है ना, नहीं नहीं सर गलत है, डीएनए में यूरासिल नहीं होता सर, नहीं होता, थायमिन तो होता है, एडिनिन और थायमिन, और ये क्या हुआ, साइटोसिन और गुआनिन हो गया, ठीक है, तो साइटोसिन गुआनिन के बीच में कितना बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, गुआनिन साइटोसिन के बीच में कितना, ट्रिपल बॉन्ड, तो जब तुम ये गर्मी दे रहे हो 80-90 डिग्री सेल्सियस, तो ये बॉन्ड क्या हो रहे हैं, टूट रहे, टूटेगा, अब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये क्या होगा, खुल जाएगा, क्या होगा, ये अलग खुलेगा, ठीक है, और जब रीनेचुरेशन करोगे यानी धीरे धीरे इनको कंडेंस करोगे, ठंडा करोगे, ठीक है, तो ये बॉन्ड धीरे 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 क्या करेगा, बन जाएगा, समझ में आया, बन जाएगा, हाँ बनेगा, ठीक है, बोलो लिखे इसके बारे में, लिख ले क्या, चित्र बनाना है, क्या बोल रही हो प्रियंका, सर 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 हाँ एक बात बताओ, जो ब्लड होता है, रनिंग ब्लड होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो तो बॉइलिंग पॉइंट समथिंग समथिंग होता है, किसका किसका, हमारी रगों में जो खून दौड़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा होता है, मेरे को किसी ने बोला था, क्या बोल रहे हो, किसका बॉइलिंग पॉइंट, हमारे ब्लड का जो चल रहा है अभी अंदर, उसका टेम्परेचर कितना होता है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वही टेम्परेचर होता है, और क्या होगा, सिंपल, क्या ब्लड का टेम्परेचर वही होगा ना, जो बॉडी का टेम्परेचर है, सिंपल, ओह अच्छा अच्छा, कितना सॉलिडली होता है क्या तुम्हारे अकॉर्डिंग, तो मेरे को किसी ने बोला था, ठीक है, तो मेरे को अब तक यही लगता था, मेरे को लगा कि अगर अंदर इतनी गर्मी है तो बाहर में इतने ठंडे क्यों होते हैं, के रगों में 100 डिग्री सेल्सियस वाला खून दौड़ रहा, बच के रहना सब लोग, जला देंगे, चलो
डीनेचुरेशन के बारे में लिखे, इसके ऊपर प्रकाश डाले, डीनेचुरेशन टॉपिक दो और हम डिक्टेट करवाते हैं, वो लिखो प्लीज, बोलो सुनाई नहीं दे रहा है। इफ अ नॉर्मल डीएनए मॉलिक्यूल, इफ अ नॉर्मल डीएनए मॉलिक्यूल, स्मिति सर बहुत कम आवाज आ रही है, पता नहीं क्यों, फ्री हो जाओ प्लीज, बोलो ना। इफ अ नॉर्मल डीएनए मॉलिक्यूल, सर सच में धीरे आ रही है, है ना सर, धीरे आवाज आ रही है, क्या मेरा आवाज सबको धीरे नजर आ रहा है? अभी आ रही है, ठीक है। If a normal DNA molecule is placed at high temperature, if a normal DNA molecule is placed at high temperature, bracket में 80 degree Celsius to 90 degree Celsius, then both strands of DNA will separate. Then both strands of DNA will separate from each other. Due to breaking of dash bond. Due to breaking of hydrogen bond, क्या टूट जाएगा? Hydrogen bond टूटेगा। और किसमें ये लिख रहे हो? ये लिखना है denaturation में। क्या लिखना है किसमें? Denaturation में, है ना? और स्मिति सुनाई दे रहा है तुमको? हाँ सर। और दो न्यू स्टूडेंट आया, तुमने उसका वेलकम नहीं किया स्मिति? ये डॉट डॉट वाले नाम तो लिख कर आते हैं एटलीस्ट। वही तो नाम है। हेलो डॉट फर्स्ट मिस्टर, अब इसमें एनोनिमस एनोनिमस हेलो। सुनो सुनो, डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन में तुमने क्या लिखा एक बार पढ़ दो प्रियंका। इफ अ नॉर्मल डीएनए मॉलिक्यूल इज प्लेस्ड एट हायर टेंपरेचर ब्रैकेट्स 80 टू 90 डिग्री सेल्सियस देन बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए विल सेपरेट ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, ठीक है। अब लिखो इसी के नीचे, अभी रीनेचुरेशन का हेडिंग मत देना, मैं बोल रहा हूं, अब इसी के आगे लिखो, व्हेन, लिखो व्हेन डीनेचर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स, अभी तुमने क्या किया था, नॉर्मल डीएनए मॉलिक्यूल लिया था उसको डीनेचर किया, अब डीनेचर्ड डीएनए मॉलिक्यूल ले रही हो, व्हेन डीनेचर्ड डीएनए मॉलिक्यूल इज प्लेस्ड एट नॉर्मल टेम्परेचर, इज प्लेस्ड एट नॉर्मल टेम्परेचर, लिखिए, यस सर, देन बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, देन बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए अटैच्ड एंड रिकॉइल्ड टू ईच अदर, अटैच्ड एंड रिकॉइल्ड टू ईच अदर, ठीक है ठीक है, इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, सिंपल, ठीक है, कूल, चलो आओ हम लोग कुछ चर्चा करें डीएनए बनाकर, यह हटा दे सर, इसके नीचे आपने रीनेचुरेशन क्यों नहीं लिखवाया? क्या लिखवाया मैंने? गलत तो नहीं लिखवाया मैंने? रीनेचुरेशन क्यों नहीं लिखवाया? रीनेचुरेशन डीनेचुरेशन सब डीनेचुरेशन, अब रीनेचुरेशन जो आया ना उसको लाल पीला हरा गुलाबी से ब्रैकेट में बंद कर दो, है ना प्रियंका, ये स्टाइल होता है पढ़ने का, तुम्हारे पास तो है इतना कलर, अलग बताया था ना? सही बताया था मैंने, कुछ भी अलग नहीं बताया, वही बताया, क्या बोल रही हो? मेरे पास कलरफुल पेंसिल नहीं है। अच्छा कलरफुल पेंसिल नहीं है, दुकान तो है ना तुम्हारे पास? पेन दुकान तो है ना तुम्हारे पास, या वो भी नहीं है? पैसे नहीं है, वो पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पेटीएम कर दूंगा, है ना स्मिति, दौड़ के ले आओ तुम, दौड़ जाओ अभी क्लास जूम लेते लेते जाओ, दौड़ो और अभी बोल देना क्लास लेते लेते कि सर आप इसका पेटीएम कर दो, दौड़ो दौड़ो चलो जल्दी दौड़ो स्मिति, दिस इज नॉट डन, तुम्हें जाना चाहिए, जा रही हूँ सर रास्ते में हूँ, फौरन जाओ फौरन जाओ। बड़ा अजीब बना बट अच्छा लगा मुझे, कम से कम बना, डीएनए बनाने में मेरा हालत खराब, मैं बताती हूँ कैसा लग रहा है, नीचे वाला अच्छा नहीं लग रहा, ये एल्सा के पास ग्रह,
तुम लोगों से मैंने राय नहीं मांगा, अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है पंजल की चोटी लग रही है। चलो अब हम देखते हैं इसमें, देखो बेस पेयर्स तुमने देखा है ना? चलो अब मैं बताता हूँ, तुमने सीढ़ी देखा है क्या, लैडर? लेकिन तुमने देखा है कभी अपने जीवन काल में सीढ़ी, लकड़ी वाला, प्लास्टिक वाला, थर्मोकॉल वाला, पेपर वाला, कुछ वाला? पेपर, थर्मोकॉल देखी अब वो देखी ही नहीं है। देवती तो तुम ये मान के चलो कि सीढ़ी का जो ये वाला हिस्सा है ना, स्टेयर पता नहीं क्या जिसको कहती हो, ये है नाइट्रोजन बेस के बीच का बॉन्डिंग, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या है ये? फिर एक बात बताओ, आप तो सीढ़ी को जीना कहते थे। किसको? वही यही तो मेरा स्टाइल है, देखो अभी क्या हो जाता है। अब सीढ़ी से बना देंगे डीएनए, बस देखते जाओ। इसीलिए मैंने बोला था प्लास्टिक का ले लो, ऐसा कुछ काम चलाओ सीढ़ी। अब ये लाइन जो है ना, ध्यान से सुनो, ये लाइन का अगर मैं बोलू बेस, ठीक है, यानी बैकबोन, हम इस लाइन का, इस सीढ़ी का बैकबोन बोले तो कौन होगा, सोच के बताओ। रेवती बताएगी मुझे। लाइन का बैकबोन, हाँ, इस सीढ़ी का बैकबोन यानी ये वाला जो लाइन है, ये लाइन क्या चीज का बना, मुझे ये बताओ। न्यूक्लियोटाइड। गलत गलत गलत, मैं बोलूंगा ये बना है पेंटोज सुगर और फॉस्फेट से। मैं क्या बोलूंगा, ये बना है पेंटोज सुगर और फॉस्फेट से। तुम बोलोगे इसको सिद्ध कीजिए, है ना, बोलोगे ना, तो हम बोलेंगे ऐसे। अच्छा टाइम भी 2 मिनट बचा, 2 मिनट में फिर से मीटिंग ज्वाइन करना पड़ेगा। ये पेंटोज सुगर फॉस्फेट हम बोल रहे हैं यहाँ पे निकला है नाइट्रोजन बेस, यहाँ पे निकला, हम बोल रहे हैं यहाँ भी नाइट्रोजन बेस है, यहाँ भी नाइट्रोजन बेस, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इनके बीच में बॉन्ड, इनके बीच में बॉन्ड, हम एक ही दिखा रहे हैं, बट होता तीन है, दो है, ठीक है। तो एक चीज देख रही हो रेवती? रेवती यस सर। ये नाइट्रोजन बेस पेंटोज सुगर से कनेक्टेड है, ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा बन रहा है ये कौन बना रहा था, तुमने देखा था ना अभी जो मैंने बनाया था, पेंटोज सुगर फॉस्फेट, पेंटोज सुगर फॉस्फेट, पेंटोज सुगर फॉस्फेट, और साइड में निकला हुआ था नाइट्रोजन बेस। देख रही थी या नहीं देखी थी बताओ मुझे? इस देखा था। अभी मैंने दिखाया था ना, इसका ये मतलब हुआ कि इस सीढ़ी का बैकबोन कौन है, पेंटोज सुगर फॉस्फेट है कि नहीं है? फॉस्फेट भी तो फिर दूसरी तरफ से बाहर निकलेगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ तब आप दूसरे दुनिया में लगता है रेवती, आपको इस दुनिया में आना पड़ेगा। पेंटोज सुगर के बीच में जो बॉन्ड बना रहा था फॉस्फेट, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, आपने देखा नहीं, पेंटोज सुगर, दो पेंटोज सुगर, एक का 3' से जुड़ता था यानी OH से, और एक का CH2OH से, देखा नहीं तुमने रेवती? मीटिंग को सारे बच्चे फिर से ज्वाइन करेंगे, मीटिंग को सारे बच्चे फिर से ज्वाइन करेंगे, आपने जो भी बोलना हो फिर से बोलना, ओके? हां सर, प्लीज एक बार दोबारा।